अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आवाज रखे। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। आज हम बनाएंगे पिन व्हील समोसा, बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया 1.5 कप मैदा, और साथ में मैंने ये नीम गर्म पानी लिया है। हम इसको नीम गर्म पानी से गूंदेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी अजवाइन, 1/2 टीस्पून नमक टेस्ट के लिए, अजवाइन से टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा इसका। और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा ले लिया। इसको इस तरीके से आपने क्रश कर लेना है हाथ की मदद से, बस इस तरह से ये डाल देंगे। अब इसको मिक्स करेंगे इस तरह से, और बिल्कुल हल्के हल्के पानी से, थोड़ा थोड़ा पानी हम डालेंगे और इसको गूंद लेंगे अच्छे से। अब इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। घी डालें, ऑयल डालें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इस तरह से, इससे क्या होगा, इससे जो आपके पिन व्हील समोसा जो होगा बहुत क्रिस्पी होंगे ऑयल से। बस इसको मैं मिक्स कर लूँगी और हल्के हाथों से, हल्के हल्के पानी से मैं इसको गूंद लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। हम नीम गर्म पानी लिया मैंने यहाँ पे इस तरह से, बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे मज़े के। और इसके लिए बस मैं सबसे पहले आटा गूंद लूँगी, मैदा गूंद लूँगी अच्छे से। इसको हमें इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा पानी और डालेंगे हम इस तरह से। इसको हमने ऐसे गूंद लेना है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पिन व्हील बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते हैं, वो हमारे डो पे होता है। अगर आप अच्छी डो गूंदेंगे बनाएंगे तो फिर आपके क्रिस्पी भी बनेंगे और खस्ता भी बनेंगे, लेयर वाले बहुत मज़े के बनेंगे, देखना आप इस तरीके से अगर आप आटा गूंदेंगे, ठीक है। आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, मैंने 1.5 कप लिया है, तो आपकी मर्ज़ी, आप कम करें या ज़्यादा लें। फिर उसी हिसाब से आप इसमें नमक और अजवाइन और ज़ीरा डालें, ठीक है। यहाँ पे मैंने अच्छे से मैदा गूंद लिया है, और ये देखें कितनी सॉफ्ट हमारी डो बन के तैयार हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए, ये देखें, ठीक है। बाउल को मैं साइड पे करूँगी और बस इसमें मैं इसको रख दूँगी। 5 to 10 मिनट में इसको स्टे दूंगी। हल्का सा हम इस पे ऑयल लगाएंगे। यहाँ पे मैं इसको हल्का सा प्रेस कर दूंगी ऑयल लगा के, और इसको कवर करके रख दूंगी 5 to 10 मिनट के लिए। अब सेकंड स्टेप पे मैंने यहाँ पे ले लिए है 2 बॉयल आलू। उनको मैंने अच्छे से बॉयल करके छील लिया इस तरह से। अब इसको मैं करूँगी मैशर से मैश। इस तरीके से आपने इसको मैश करना है, आप हाथ की मदद से या जैसे आपको ठीक लगे आप करें। इसको मैं कर लूँगी मैशर से मैश। बहुत मज़े के बन के तैयार होंगे ये, और ये है कि छोटे बच्चे भी बहुत खुश होकर खाते हैं इस चीज़ को। अगर आप बच्चों के लिए बनाना चाह रहे हैं तो फिर उसमें स्पाइस आप कम रखें, मसालों का आप बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। अगर आप बड़ों के लिए बनाएं, अपने लिए बनाएं, तो फिर मसाले आप अपने हिसाब से रखें। तो मैं नॉर्मल ही रखूँगी, बच्चे बड़े सभी खाएंगे इसको। क्वांटिटी आप देख लेना हर चीज़ की, आप उसको बढ़ा भी सकती हैं, कम भी कर सकती हैं बच्चों के लिए, और इसके बराबर भी रख सकती हैं, ठीक है। इसको मैंने कर लिया अच्छे से मैश। इसमें कोई गुठली कोई लम्स नहीं है। आलू मैंने अच्छे से बॉयल किए थे। और एक अहम बात आपको मैं बता दूं कि हम आलू को जब भी बॉयल करें तो हम उसमें हल्का सा नमक डाल दें। इससे क्या होगा कि आपके जो आलू होंगे उसमें अच्छे से नमक का फ्लेवर आ जाएगा, तो नमकीन नमकीन मतलब उनका टेस्ट हो जाएगा इतना अच्छा सा। अब इसको मैंने कर लिया मैश, अच्छे से मैश हो गए हैं। इसको मैं साइड पे करूँगी। ये देखिए इतने अच्छे से मैश हो गए हमारे आलू। इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून प्याज इस तरह से चॉप की हुई, और 2 मैंने हरी मिर्ची ली हैं बिल्कुल बारीक कटी हुई। और आप इसमें कम ज़्यादा आपकी मर्ज़ी आप डाल सकते हैं, और उसमें कुछ मसाले जाएंगे। बहुत ज़्यादा प्याज और मिर्ची आप इसमें नहीं डालेंगे,
इससे क्या होगा कि आपकी जो बाइंडिंग होगी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। अच्छा, कुछ यहाँ पे मैंने ड्राई मसाले लिए हैं, हाफ़ टी स्पून से भी कम नमक है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर, तकरीबन 2 चुटकी मैंने काली मिर्ची पाउडर, हाफ़ टी स्पून दर्जी कुटी हुई चिली फ्लेक्स है ये, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1 टी स्पून धनिया पाउडर और 2 चुटकी मैंने यहाँ पे ली है हल्दी। हम इसको डाल देंगे इसमें इस तरह से। अब इसकी अच्छी सी बाइंडिंग के लिए हम इसमें क्या डालेंगे, हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून डालेंगे इसमें हम कॉर्नफ्लोर। इससे क्या होगा, ये अच्छे से बाइंड हो जाएंगे, अगर आप इसको नहीं डालेंगे तो ये अच्छे से बाइंड नहीं होंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बस 1 टेबल स्पून आपने इसमें डालना है। इसको अब करेंगे हम मिक्स, मिक्स आपने इस तरह से करना है, ठीक है। मज़ीद स्पाइसी करना है तो मसाले आप अपनी मर्ज़ी से डाल लें, मैं नॉर्मल मसाला रखूँगी क्योंकि बच्चों को भी खाने होती हैं और फिर अगर तेज़ मसाला हो जाता है तो फिर बच्चे नहीं खाते, तो फिर कोई भी चीज़ बनाने का फ़ायदा नहीं होता अगर बच्चे ना खाएं तो। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको कर लिया है तैयार, ये हो गया है मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो गया है, बस इस तरह से। मज़ीद आप इसमें धनिया भी डाल सकती हैं, कोई भी चीज़ आप पुदीना भी डाल सकते हैं, खैर मेरे पास वो नहीं था और मैंने इसमें नहीं डाला, आप डाल लें, मैं आपको बता रही हूँ तो आप डाल लीजिएगा, ठीक है। इसको मैंने कर लिया तैयार। यहाँ पे मैं देखो मैंने गूंद के रख दिया था और 10 मिनट के रेस्ट दिया था, अब ये माशाल्लाह से अच्छे से सॉफ्ट हो गई। ये देखें कितनी सॉफ्ट डो है हमारी, ये देखें। अब इसके हम बनाएंगे 2 पेड़े, इसको हाफ हाफ पोर्शन में डिवाइड करेंगे इस तरह से, इसको साइड पे करेंगे। इस तरह से बस आपने इसके 2 पेड़े बना लेने हैं। यहाँ पे हम मैदे से डस्ट करेंगे और इसको हम बेल लेंगे, ठीक है, इसको हम बेलना स्टार्ट कर देंगे इस तरह से, बिल्कुल रोटी की शेप में हमने इसको अच्छे से बेल लेना है, इस तरह से इसको बेलेंगे। जितना आप इसको इस पर मैदा डस्ट करेंगे उतनी आपकी क्रिस्पी बनेंगी, बिल्कुल रोटी की शेप में मैं इसको बेल लूँगी। इसको मैंने यहाँ पे बेल लिया अच्छे से, बिल्कुल रोटी की तरह, ये देखिए कितनी पतली कितनी अच्छे से ये हो गई है। अब इस पर जो मैंने ये आलू का मसाला बनाया था हम इस पर इसको इस तरीके से इस पर लगाएंगे इस तरीके से, इस पर मैंने अच्छे तरीके से लगा दिया। और इस तरह से आपने लेयर लगानी है, बहुत ज़्यादा मोटी लेयर भी नहीं होनी चाहिए इसकी और पतले भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं करूँगी फोर, इस तरह से आपने इसको उठाना है एक साइड से और आहिस्ता आहिस्ता आपने रोल की शेप में आपने इसको फोल्ड करते जाना है इस तरह से, ठीक है, ऐसे आराम आराम से ऐसे आपने इसको बराबर शेप में दोनों साइडों से फोल्ड करते जाना है, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छे से फोल्ड हो रहा है ये, सेम इसको टाइटली आपने इसको फोल्ड करना है। ये देखिए यहाँ पे माशाल्लाह से इतना अच्छा फोल्ड हो रहा है, बिल्कुल ये रोल की शेप में, इसमें कोई टेंशन नहीं होगी, आप आसानी से आप बना लेंगे और बिल्कुल बाजार जैसे पिन बेल बन के आपके तैयार होंगे। और इस तरह से आप अपनी हर चीज़ को घर बना सकते हैं, कोई भी चीज़ आप मार्केट से लें बहुत ज़्यादा पैसों में मिलती है, और इससे क्या होता है कि आप बहुत सब बच्चे नहीं खा सकते, आप घर में बना के कम चीज़ों से बहुत ज़्यादा चीज़ बन जाती है। तो ये देखिए आपके सामने मैंने 1.5 कप मैदा लिया था, इसको मैं थोड़ा सा प्रेस करूँगी और इसमें इतने सारे बन के तैयार हो जाएंगे। इस तरह से मैं इसको बराबर शेप में लाऊँगी, सेंटर से थोड़ी सी ये इसकी मोटाई ज़्यादा है, और ये देखें यहाँ से ये बराबर शेप में आ गई है, ठीक है, इसको बस मैं ऐसे रखूँगी।
इसको मैंने बराबर करने के लिए फ्रंट से थोड़ी सी शेप साइड पे कर दी है। अब इसको मैं कट करूँगी, एक एक इंच के गैप से आपने इसको कट करते जाना है इस तरह से। आप जब इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे छुरी को, तो ये जो फ्रंट वाला ऊपर वाला पार्ट है, आप इसको हल्का सा साइड पे करते जाएंगे ऐसे, ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको काट लिया है। अब मैं इसको उठाऊंगी, इसकी शेप बराबर कर दूंगी इस तरह से। इसकी शेप आप, ये थोड़ा सा फ्रंट है ना, तो ये खुल रहा है, मैं आपको बता देती हूँ आगे। इस तरह से हम इसकी गुलाई बना लेंगे। ठीक है, सभी को मैं इस तरह से कट कर लूँगी। इसको मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से, यानी कि माशाल्लाह से कितने सारे कट के तैयार हो गए हैं, इसको मैंने अच्छे से काट लिया है। अब इसके लिए मैं, इसको हम करेंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मैदा। ठीक है, मैदे को मैंने पानी में मिक्स कर लिया था इस तरीके से, कुछ कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, ये मिक्स मैंने कर लिया, इसको मिक्स हो गया अच्छे से। इसको हम इधर रखेंगे इस तरह से, हम इसमें डिप करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है और इसको मैंने गरम कर लिया है। लो फ्लेम पे आपने इसको गरम करना, और बस इस तरह से आप इसमें एक एक करके सभी पिन व्हील को आप इसको में छोड़ते जाएं इस तरह से। ये देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में एकदम से छोड़ देंगे, तो फिर से क्या होगा कि आपकी जो ये पिन व्हील है, ये एकदम से जल जाएंगी ऊपर से, और फिर अंदर से अच्छे से ये टूटनी होंगी, और ऊपर से इनका कलर एकदम से डार्क हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, लाइट लाइट कलर है। अभी हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इस तरह से हम इसकी साइड चेंज करेंगे। बहुत मज़े की और क्रिस्पी बन के तैयार होंगी ये स्नैक्स। आप आराम से इस दोपहर की चाय में, शाम की चाय में आप आराम से ले सकते हैं। जैसे दोपहर की शाम में या दोपहर में आप जैसे भी चाय बनाते हैं जिस टाइम में, तो आप ये खा सकते हैं बच्चों के लिए, या फिर इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, लंच बॉक्स में आप बच्चों को दे सकते हैं। स्पाइस अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो आप स्पाइस कम रखें, तो आराम से इसको रख सकते हैं। अगर आपको इसको स्टोर करना है, तो आप इसमें प्याज नहीं डालेंगे। अगर आप इसमें प्याज डालेंगे, तो आप सिर्फ दो दिन तक आप इसको खा सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, और अगर प्याज नहीं डालेंगे, तो फिर ये एक हफ्ता 10 दिन आराम से आपके चल जाएंगे। इस तरह से इनका कलर डार्क होना स्टार्ट हो गया है, ये देखें। अब इसको मैं 1 से 2 सेकंड के बाद निकाल लूँगी। ये माशाल्लाह से हमारे कलर चेंज हो गया है, अब इसको मैं निकाल लूँगी। ये देखें, यहाँ पे इसको हम एक एक करके इस तरह से निकाल लेंगे। बहुत क्रिस्पी है और बहुत खस्ता बने हैं, देखिए कलर भी अच्छा सा आ गया है इन पर। अब मैं इनको सभी को निकालूंगी इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से हमारे पिन व्हील समोसा बन के रेडी हो गए हैं। बहुत मज़ेदार और खस्ते बने हैं, मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह से कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया है। आप इसको इस तरह से केचप के साथ, या फिर इमली की चटनी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप आराम से खा सकते हैं। ये देखिए लेयर भी देखें आप, एक एक अलग अलग से इसकी लेयर है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये देखिए, इस तरह से आप इसको आराम से खा सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ। ठीक है, चटनी के साथ, केचप के साथ, मेयोनीज़ के साथ, बहुत मज़े के लगते हैं ये। आप इसको गेस्ट के लिए भी बना सकते हैं, अपने लिए भी बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।